देश विदेश में वसता तमाम भारतीयों माटे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय उत्सव एटले दिवाळी। इतिहास जग जाहिर छे, भगवान श्री राम प्रभु 14 वर्ष सुधीना वनवास बाद अयोध्या में पधारी रह्या छे। अमासनी ए अंधारी रात्रि हती, तेम छता अयोध्या वासीयोनो आनंद समातो न हतो। असंख्य दीवड़ाओ प्रगटावी प्राण प्यारा प्रभुनु स्वागत कर्यु। बस ए पावन प्रसंगनी स्मृति में आ दिवाळी उत्सवनी दिव्य परंपरानो प्रारंभ थयो। श्री राम सेतु नो फोटो नासाना उपग्रह द्वारा कैप्चर थयो, ए वात भारतीयों माटे अति गौरवनी छे। आ बधा इतिहासो न केवल कोरी कल्पना परंतु सत्य अने तथ्यना आधारे पुरवार थई रह्या छे। आवा एक नहीं अनेक इतिहासो दीपावली उत्सव साथे जोड़ायेला छे। इतिहास प्रमाणे आजनाज दिवसे भगवान श्री कृष्ण प्रभुए नरकासुरनो नाश करी प्रजाने त्रास मुक्त करी हती। अने आजनाज दिवसे भगवान पृथ्वीए पृथ्वीनु रस दोहन कर्यु हतु। अने आजनाज दिवसे लक्ष्मीजी समुद्रमाथी प्रगट थया छे। अरे एटलुं ज नहीं, आजनाज ऐतिहासिक दिवसे पांडवों वनमाथी पाछा फर्या हता। आवा अनेक इतिहासोना आधारे आ दिव्य परंपरा उजवाई रही छे। भविष्योत्तर पुराण में आ उत्सव उजववानी संपूर्ण विधि सुंदर रीते निरूपण करवामां आवी छे। आ उत्सवनो मुख्य मर्म अंधकार उपर प्रकाशनो विजय छे, एटले के असत्य उपर सत्यनो विजय, अधर्म उपर धर्मनो विजय थाय त्यारे ज मानव जीवन सुखी संपन्न अने शांतिमय बने छे। आपणा वेदोए ओम असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय जे प्रार्थनाओ करी छे या उत्सवना दिवसे संपूर्ण चरितार्थ थई रही छे। आजना दिवसे चोपड़ा पूजन करवानो पण रिवाज छे। सारा अक्षरे चोखा चोपड़ा लखी व्यवहार शुद्धि माटेनुं एक कदम उठावामां आवे छे। परंतु भगवान श्री स्वामीनारायण महाप्रभुए वचनामृत गढ़पुर प्रथमनो 38मो सत्संगी मात्रने नामू मांडवानी वात करी अने अंतर शुद्धिनी वात करी छे। ज्यारथी सत्संग थयो त्यारथी तमाम भक्तोए पोताना मननो तपास करवो। भगवान श्री हरि नु आ मार्गदर्शन खरेखर अपना जीवन में दिवाळीना दिव्य दिवसों प्रगटावे एवुं छे। कार्याणीनुं वचनामृत छठ्ठू दिवाळीना दिवसनुं वचनामृत गणाय छे। अने ते दिवाळीना दिवसे भगवान श्रीहरि जे छप्पर पलंग उपर बिराजमान छे ते परम प्रसादी भूत छप्पर पलंग अत्यारे लोयाधाममां दर्शन आपे छे। लोयाधाम परिवारना अपना सहु कोई संतो भक्तो माटे आपण एक अति गौरवनी वात छे। आ रीते आ दिवाळीनो उत्सव दरेक धर्म संप्रदायो साथे जोड़ायेलो अति महिमावंत पर्व छे। धनतेरस थी मांडी भाई बीज सुधी पांच पांच दिवस सुधी आ पर्व अति भव्य रीते सर्वत्र उजवाई छे। कालक्रमे कलियुगना प्रभावे दरेक परंपराओमां प्रदूषण पेठा छे। एज रीते दिवाळीमां
ફટાકડા ફોડવા વગેરે ઘણા પ્રદૂષણો આવી ગયા છે. ફટાકડા ફોડવાથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત બને છે, અનેક પ્રકારના અકસ્માતો થાય છે, લાખો કરોડો રૂપિયાના ધુવાડા થાય છે. ડાયા અને સુજ્ઞ સજ્જનોએ આવા પ્રદૂષણોથી બચવું જોઈએ. એક ખરો દિવાળી ઉત્સવ ઉજવ્યો કહેવાય. આવો ભગવાન, સત્પુરુષ, સંતો અને ભક્તોમાં દિવ્ય ભાવનાઓના દીવડાઓ પ્રગટાવી આપણે આજે અદ્ભુત, અલૌકિક અને અનેરી દિવાળી ઉજવીએ. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ ગાયું છે ને, બ્રહ્માનંદના વાલા તમસંગ રમતા મારે દાહડી દાહડી તે દિવાળી. ભગવાનના ભક્ત માટે દિન દિન પ્રતિદિન દિવાળી છે, અને ભક્ત નથી એના માટે દિન પ્રતિદિન હોળી છે. આપણે આ સંસારની હોળીમાંથી બચવું હોય, ભક્તિના માર્ગે આગળ વધીએ, ધર્મ, ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના દીપ પ્રગટાવીએ, અંતરને અંજવાળીએ. પૂજ્યપાદ ગુરુજીની પ્રેરણાથી લોયાધામ મંદિરમાં પિયુડા મહારાજના પાવન સાનિધ્યમાં દર વર્ષે દિવ્ય, ભવ્ય, અતિ અદ્ભુત દીપોત્સવનું આયોજન થાય છે. આપ સહુ કોઈને આ ઉત્સવમાં પધારવા માટે અમારું હાર્દિક આમંત્રણ છે. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.